श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड के पीलो चैप्टर के हाइड्रोजिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, उस बात को कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजिक एसिड में हम उसके स्थायित्व की बात कर रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजिक एसिड N3H और N3H के स्थायित्व की हमारी बात कर रही थी। पर स्थायित्व हमने ये कहा था कि अस्थायी प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। अस्थायी प्रकृति का होने के कारण ये विघटित हो जाता है और ये विघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलता है 3N2+H2। इस दौरान कुछ ऊष्मा का निकलना होता है। यह जो प्रोसेस होता है वो एग्जोथर्मिक होता है। ऊष्मा क्षेत्रीय प्रकरण, ठीक है, ये थी स्थायित्व की बात। उसके बाद ऑक्सीकरण की बात आती है। अम्लीय केमनोफोर के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। स्थायित्व के बाद अगला हेडिंग है ऑक्सीकरण। अगला हेडिंग कौन सा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की बात की जाए तो हाइड्रोजन एसिड का ऑक्सीकरण अम्लीय केमनोफोर द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा होता है? एसिडिक केमनोफोर, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। एसिडिक केमनोफोर के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। होता क्या है? नाइट्रोजन के रूप में निकल जाता है 3N2+। यहाँ के दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेते हैं H2O। क्या बना लेते हैं? H2O। तो जब हाइड्रोजन एसिड का अम्लीय केमनोफोर के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो नाइट्रोजन और H2O बनता है। नाइट्रोजन और क्या बनता है? H2O बनता है। उसके आगे बात आती है अपचेन की। किसकी बात आती है? अपचेन की बात। देखिए, ऑक्सीकरण हुआ, नाइट्रोजन और जल बना। किसके द्वारा हुआ? एसिडिक केमनोफोर के द्वारा। अगली बात, ऑक्सीकरण के बाद हेडिंग है अपचेन का। किसका अपचेन? हाइड्रोजोइक एसिड का अपचेन। किसका अपचेन पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजोइक एसिड का अपचेन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजोइक एसिड का रिडक्शन अपचेन। अपचयन जब इनका होता है सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया और हाइड्रोजन। क्या होता है? देखिए, ये हमारा हाइड्रोजोनिक एसिड है और इसका हम क्या करवाना चाहते हैं? अपचयन करवाना चाहते हैं। किसके द्वारा आप चेंज करवाना चाहते हैं? सोडियम अमलगम के द्वारा NaHg के द्वारा। इसके द्वारा NaHg के द्वारा। तो किस में बदलते हैं? अमोनिया में। हमारे पास नाइट्रोजन तीन है, तीन अमोनिया बन जाएगी 3NH3। क्या बन जाएगी? 3NH3। 4 × 8 = 9 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 3 अमोनिया बन जाएगी। जब इसका हाइड्रोजोइक एसिड का अपचयन इस प्रकार से करवाए, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो ये बनाता है हाइड्रोजन। क्या बनाता है? हाइड्रोजन। 3 × 6 नाइट्रोजन हमारे पास है और हाइड्रोजन में तुम्हें पता है 2 नाइट्रोजन होते हैं, पहले क्या आ जाएगा? 3 NH2NH2, ठीक है। 5 × 10 और 2 × 12 हाइड्रोजन। यहाँ कितने? 2 × 2 = 4, 4 × 12। तो जब भी हाइड्रोजन का अपचयन होता है तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन में बदलते हैं।
किस में बदलते हैं? अमोनिया और हाइड्रोजन में, अमोनिया और हाइड्रोजन में बदलते हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन में बदलते हैं। इसके अलावा बात आती है उपयोग की, किस किस लेड, मर्करी और बेरियम के एजाइड, बेरियम के एजाइड लवण विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। लेड, मर्करी और बेरियम के एजाइड के लवण होते हैं वो विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, और विस्फोटक प्रकृति के होने के कारण इसको विस्फोटक प्रेरक कैप के रूप में उपयोग किया जाता है। विस्फोट प्रेरक कैप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में काम आते हैं। कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में ये मध्यवर्ती के रूप में काम आते हैं। संरचना की बात की जाए, एजाइड किरणादि संरचना की बात की जाए तो ये इस प्रकार किरणादि संरचना रखते हैं। अगला हेडिंग रहेगा एजाइड किरणादि संरचना। एजाइड की अनुनादी संरचना, एजाइड की अनुनादी संरचना, एजाइड की अनुनादी संरचना, एजाइड की अनुनादी संरचना। तो एजाइड में देखिए N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसे नाती संरचना बनेगी? एक क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए देगा, तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस नाइट्रोजन के पास। तो नाती संरचना कैसे बनेगी? इस नाइट्रोजन पहले से नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा, बनेगा एन नेगेटिव नेगेटिव, और इधर क्या आ गया, डबल का सिंगल, डबल का क्या आ गया, सिंगल। इधर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है पहले से, यहां डबल का क्या बन गया, ट्रिपल बन गया, डबल का क्या बन गया, ट्रिपल। और क्या चार्ज कौन सा आया, कोई चार्ज नहीं, डबल का क्या बन गया, ट्रिपल बन गया, ठीक है, डबल का बन गया ट्रिपल। अब देखिए वो क्या होगा, यदि उल्टा प्रोसेस होता तो इसकी रिजेनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनती, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड एन नेगेटिव और नेगेटिव। ये एजाइड आयन की अनुनादी संरचना है, एजाइड की अनुनादी संरचना है, ठीक है, एजाइड की अनुनादी संरचना है। इसके अलावा यदि हाइड्रोजन की संरचना लिखें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन किस रूप से बंधे होते हैं, ट्रिपल्स, एक नाइट्रोजन ट्रिपल नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल ट्रिपल से, अगला यहां पॉजिटिव यहां नाइट्रोजन, और इसके साथ कौन जुड़ा होगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव इसके पास, तो क्या बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और एच। ये संरचना है हाइड्रोजोइक एसिड की, किसकी संरचना है, हाइड्रोजोइक एसिड की। और हाइड्रोजोइक एसिड में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है पहला एन एन, इसकी बंद लंबाई होती है एन एन की बंद लंबाई 1.18 आर्मस्ट्रांग, दूसरे एन एन की होती है 1.24 आर्मस्ट्रांग, इस एन एन की होती है 1.18 आर्मस्ट्रांग, इस एन और इस एन की होती है 1.24 आर्मस्ट्रांग, और ये कोण होता है 110 डिग्री का, ये कोण कितना डिग्री का होता है, 110 डिग्री का, ठीक है, ये इसकी बंद लंबाई का सिस्टम होता है। क्या बंद लंबाई, 1.18 1.2 ये वाली होती है 1.24 आर्मस्ट्रांग, और ये कोण होता है 110 डिग्री का, कितने डिग्री का होता है,
110 डिग्री का। ये थी हाइड्रोजोइक एसिड के बारे में। इसके बारे में हाइड्रोजोइक एसिड के। अगला अपना हेडिंग रहेगा बोरोन के हाइड्राइड के बारे में। किसके बारे में? बोरोन के हाइड्राइड। अगला हेडिंग है बोरोन के हाइड्राइड। बोरोन के हाइड्राइड बोरोन के हाइड्राइड और बोरोन के हाइड्राइड में सबसे पहले अपने बात करते हैं डाइबोरोन की B2S6 की। डाई बोरेन B2S6 की। किसकी बात करते हैं? डाई बोरेन की बात करते हैं B2S6 की। सबसे पहले बात करते हैं डाई बोरेन B2S6 की। और B2S6 में है सबसे पहले बात करते हैं उनके निर्माण की, निर्माण या विघटन की विधि। B2S6 डाई बोरेन को कैसे बनाओ गया? बोरोन के ट्राइक्लोराइड की लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया। बोरोन के ट्राइक्लोराइड की लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया। पॉली ईथर की उपस्थिति, किस किस के अभिक्रिया? BF3 के अभिक्रिया। किसके साथ? लिथियम हाइड्राइड के साथ, LiH के साथ। पॉली ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पॉली ईथर की उपस्थिति में। तो पॉली ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा? देखो ये BF3 किसके साथ अभिक्रिय करवाना चाहता हूं मैं? लिथियम हाइड्राइड के साथ। बनेगा क्या? B2S6 किसकी उपस्थिति में? पॉली ईथर की उपस्थिति। क्या बनेगा? B2S6 B2S6 में। और क्या बनेगा? लिथियम बच गया, बोरोन बच गया, तो बनेगा 6LiBH4। क्या बनेगा? 6LiBHF। F बच गए 8 और हाँ ये बनेगा 6LiBF4 लिथियम बोरोक्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा यदि लिथियम हाइड्राइड की जगह अपने सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दे तो भी अपने को B2S6 डाइबोरेन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ करवा दे तो यदि LiH के स्थान पर LiH के स्थान पर सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, NaH के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो भी B2S6 की प्राप्ति हो जाती है, डाइबोरेन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए कैसे करवाया जाए। डाइबोरेन के निर्माण के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, वही BF3 हमने लिया पहले, ये लो BF3। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं? सोडियम हाइड्राइड के साथ। पहले लिया था लिथियम हाइड्राइड, बाद में बनेगा क्या? पॉली ईथर की उपस्थिति में, पॉली ईथर की उपस्थिति में बनेगा क्या? B2S6। और क्या बनेगा? Na बच गया, B बच गया और F बच गया, बनेगा 6NaBF4।
सोडियम बोरोफ्लोराइड, क्या बनेगा? सोडियम बोरोफ्लोराइड। इस प्रकार हम B2S6 की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा यदि BCl3 की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा, किसके? बोरोन के ट्राइक्लोराइड की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा LiAlH4 के साथ, और किसकी उपस्थिति में? डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में, तो भी अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? डाइबोरोन की प्राप्ति हो जाती है। किसके साथ अभिक्रिया करवाऊं? BCl3 की वाष्प के साथ। किसकी अभिक्रिया? लिथियम बोरोहाइड्राइड की अभिक्रिया, सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया BCl3 की वाष्प के साथ। BCl3 की वाष्प के साथ किसकी अभिक्रिया? LiAlH4 की अभिक्रिया डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनेगा, 4BCl3 प्लस 3LiAlH4 किसकी प्रेजेंस में? डाइएथिल ईथर की प्रेजेंस में, डाइएथिल ईथर की प्रेजेंस में बनेगा क्या? देखिए हमारे पास चार बोरोन है और इसको B2S6 के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो चार बोरोन है तो बनेगा 2B2S6, दो डाइबोरेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो डाइबोरेट। इसके अलावा Li हमारे पास कितने बच गए? 3Li, तो 3Li 3Cl के रूप में आ जाएंगे, 3LiCl और 3 एल्यूमिनियम Cl के रूप में, 3AlCl3, और हमें क्या प्राप्ति हो जाएगी? B2S6 BCl3 की वाष्प के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अभिक्रिया करवाते हैं डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में। तो लिथियम और एल्यूमिनियम तो अपने क्लोराइड के रूप में बदल जाता है और अपने को डाइबोरोन की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा BBr3 बोरोन के ट्राइब्रोमाइड की वाष्प पर यदि हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करवाते हैं, किसका प्रवाह करवाते हैं? हाइड्रोजन गैस का, तो ये डाइबोरेन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? डाइबोरेन में बदल जाता है। कैसे? देखिए BBr3 की वाष्प को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो भी क्या बन जाता है? डाइबोरेन बन जाता है। किसकी वाष्प पे? बोरोन के ट्राइब्रोमाइड, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड BBr3 और इसकी पास क्या करवाना चाहते हैं? हाइड्रोजन का प्रवाह करवाना चाहते हैं। मैंने की BBr3 प्लस 6S2 प्लस 6S2 बनेगा क्या? देखो 2B2S6 के रूप में और 12 में से 6 हाइड्रोजन काम आ गया, 6 हाइड्रोजन 6 Br के साथ 6HBr। अपने को क्या प्राप्त हो गया? डाइबोरेन B2S6 की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हो गई? B2S6। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर भी हम डाइबोरेन की प्राप्ति कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल, NaBH4 पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर भी हम क्या कर सकते हैं? डाइबोरेन की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए कैसे, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और क्या डालकर? सल्फ्यूरिक एसिड डालकर, सोडियम बोरोहाइड्राइड पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर। नाम क्या है इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड और उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या बनेगा देखिए, B2S6 डायहाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बनेगा B2, यहाँ दो भी हैं, छह हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा दो नाइट्रोजन SO4 के साथ बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा Na2SO4। इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, चार हुआ 8 और दो 10, हमने काम में लिए केवल 6, चार बच गए, वो हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा 2S2 के रूप में। तो जब सोडियम और हाइड्राइड पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो भी अपने को डाइबोरेन की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है, डाइबोरेन की। और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। इसके अलावा जो डाइबोरेन है वो एक गैसीय यौगिक है जो कम ताप पर निर्जलीकृत अवस्था में स्थायी रहता है। कैसा है, गैसीय है, कम ताप पर निर्जलीकृत अवस्था में स्थायी रहता है। गुणों की बात की जाए तो गैसीय है और कम ताप पर निर्जलीकृत अवस्था में क्या रहता है, स्थायी रहता है। गैसीय है और कैसी बात है, कम ताप पर निर्जलीकृत अवस्था में, कौन सी अवस्था में, निर्जलीकृत अवस्था में स्थायी रहता है। कौन सी अवस्था में स्थायी रहता है, निर्जलीकृत अवस्था में। अब बात आती है डाइबोरॉन के दहन की। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति मिल जाती है इसको तो इनका दहन होता है। वायु की उपस्थिति में इनका क्या होता है, दहन होता है। और दहन होकर ये बोरोन के एनहाइड्राइड में बदलते हैं, बोरोन के एनहाइड्राइड में बदलते हैं। देखिए क्या होता है, वायु की उपस्थिति में इनका दहन होता है, वायु की उपस्थिति में इनका क्या होता है, दहन होता है। कैसे, ये B2S6 है, ये वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में दहन होगा, मतलब ये बोरिक एनहाइड्राइड में बदलेगा B2O3। बाकी तीन हाइड्रोक्सीन जो बचे हैं वो छह हाइड्रोजन के साथ 3H2O को बनाए हैं और ये अभिक्रिया भी किस प्रकृति के साथ में ऊर्जा रिलीज होगी, ये अभिक्रिया भी ऊष्मा क्षेपी प्रकृति की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी प्रकृति। इसके अलावा यदि इनका जल अपघटन होगा तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और बोरिक एसिड में बदल जाएंगे। जब इनका जल अपघटन होगा तो किस में बदलेंगे, बोरिक एसिड में बदलेंगे। कैसे देखें, दहन हो गया, जल अपघटन करवा रहे, जब B2S6 का जल अपघटन होगा तो ये किस में बदलेगा, देखो B2S6 क्या कराना चाहते हैं, जल अपघटन, ये बदलेगा बोरिक एसिड में S3BO3। और B हमारे पास दो है, पहले मैंने क्या लगा दिया, दो, यहां 12 बचे 18 हाइड्रोजन है, या 6 काम में ली, 12 हाइड्रोजन बच गई, क्या निकल जाएगी, 6H2 के रूप में हाइड्रोजन निकल जाएगी। जब डाइबोरॉन का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें बोरिक एसिड की प्राप्ति होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बोरिक एसिड। क्या ये बोरिक एसिड, जिनका 1% सॉल्यूशन आम धोने के काम आता है, आम धोने के काम आता है। इसके अलावा जब
डाइबोरॉन की मेथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाता हूं। किसके साथ करवाता हूं? मेथेनॉल के साथ। तो ट्राइमेथॉक्सीबोरेन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ट्राइमेथॉक्सीबोरेन में, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। डाइबोरॉन का मैं किसके साथ रिएक्शन करवाऊं? मेथेनॉल के साथ। डाइबोरेन की मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया, मेथेनॉल के साथ अभिक्रिया। ये डाइबोरेन है, B2SH मेथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाना चाहता है। क्या बनता है? देखिए, जब मेथेनॉल के साथ B2SH बनाएंगे OCS3, और ऐसा कितना होगा तीन, और यहां केवल क्या बचेगा? 6 और 6 12 हाइड्रोजन, 18 तीन के 9 18 काम आगे 12 हाइड्रोजन बचे, प्लस क्या बचेगा? 6S2। इसका नाम है ट्राइमेथॉक्सीबोरेन। क्या बनेगा? ट्राइमेथॉक्सीबोरेन। और क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा यदि सोडियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाओ डाइबोरेन की, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है। सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओ एथर की उपस्थिति में, तो ये बदल जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड में। डाइबोरेन की किसके साथ रिएक्शन? ईथर की उपस्थिति में सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। B2S6 की ईथर की उपस्थिति में, B2S6 की ईथर की उपस्थिति में सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे क्या बनेगा? ये लो B2S6, सोडियम हाइड्राइड NH, और किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में बनेगा क्या? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बनेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड बनेगा। इसके अलावा यदि मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो हैलोजन युक्त डाइबोरेन बन जाता है। यदि मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं डाइबोरेन की, तो क्या बनता है? हैलोजन युक्त डाइबोरेन बन जाता है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया किसकी? डाइबोरेन। B2S6 की हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। ये लो B2S6, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं। एक हैलोजन को लेकर बाहर निकलेगा HX, और बचा B2H5, और इस H5 के साथ कौन मिलेगा? एक X बनेगा B2S5X। दोबारा सुनो, एक हाइड्रोजन एक एक्स के साथ बाहर निकल गया HX, एक एक्स जुड़ गया, बना B2S5X, यानी डाइबोरेन का हैलो उत्पन्न बन गया।